जहाँ कुछ लोग 10-10, 20-20 किलो वेट लूज करके अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, वहीं हम में से कुछ लोग अभी इसी कंफ्यूजन में हैं कि वर्कआउट सुबह करना चाहिए या फिर शाम को, गर्म पानी में नींबू डाल के ले या फिर एप्पल साइडर विनेगर। एक काम करते हैं, जिन लोगों ने अभी रिसेंटली वेट लूज किया है, हम उनसे जानते हैं कि उनकी किन हैबिट्स ने उन्हें सबसे ज्यादा हेल्प किया। स्टेइंग एक्टिव एंड कीपिंग अ ट्रैक ऑफ इट, एंड सेकेंडली लिसनिंग टू माय बॉडी एंड चेजिंग ओवरऑल हेल्थ रादर देन चेजिंग जस्ट अ नंबर ऑन द वेइंग स्केल। डिसिप्लिन एंड बीइंग एक्टिव। द फर्स्ट वन वाज पोर्शन कंट्रोल एंड द सेकंड वन वुड बी ईटिंग बिफोर 8 o'clock. The first thing is not adding any junk to my kitchen, and the second thing is staying consistent to my workout. Controlling the portion which I eat and consuming lukewarm water with lime early in the morning. Meditation and regulation in my sleep cycle. और अब मैं आपको उन habits के बारे में बताने वाली हूँ जो मैंने अपनी weight loss journey में develop की. I am not going to talk about diet और exercise क्योंकि उनके बारे में तो आपको पहले से ही पता है. जिन चीज़ों की आज मैं बात करने वाली हूँ वो माइक्रो लेवल पे ऐसी हैबिट्स हैं जिनके बारे में जनरली कोई बात नहीं करता. दीज आर काइंड ऑफ मेंटल प्रेपरेशन जो लोगों को वेट लूज करने में बहुत हेल्प करती हैं. सो आई एम श्योर ये आपके भी बहुत काम आएंगी. सो अगर आप इन हैबिट्स को जानने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताओ. 10 दिन में 10 किलो वेट लूज करना बहुत ही एक्साइटिंग साउंड तो होता है, बट ये रियलिस्टिक नहीं होता. जो लोग सक्सेसफुली वेट लूज करते हैं उन्हें रियलिस्टिक एंड स्मार्ट गोल सेट करने की हैबिट होती है. यू विल ऑलवेज हियर देम से कि मुझे एक महीने में अप्रॉक्सीमेटली 5 किलो वेट लूज करना है, जो सुनने में आपको शायद थोड़ा कम लगे, बट ये फिजिकल, प्रैक्टिकल और पॉसिबल है. ये नंबर हर किसी के लिए अलग हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज कोई भी ओवर वेट इंसान एक महीने में एटलीस्ट 5 किलो वेट लूज कर ही लेता है. सो द फर्स्ट हैबिट ऑफ पीपल हु सक्सेसफुली लूज वेट इज दैट दे सेट स्मार्ट एंड रियलिस्टिक गोल. अगर आप लोगों ने मेरी 30-day वेट लॉस चैलेंज देखा था तो आपने नोटिस किया होगा कि आई सेट अ सिमिलर गोल फॉर माइसेल्फ एंड मे बी दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू अचीव इट. नाउ द सेकंड हैबिट, दे ईट मोर मील्स देन यू डू. नो, इट्स नॉट अ जोक. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आपको 10 किलोमीटर कार ड्राइव करने का एक टारगेट पूरा करना है. अब आप इस टारगेट को दो तरीके से पूरा कर सकते हो. केस वन कि आप गाड़ी स्टार्ट करो, 10 किलोमीटर का राउंड लेके वापस आ जाओ. केस टू, आप गाड़ी स्टार्ट करो और 2 किलोमीटर का राउंड लेके वापस आ जाओ और इस तरह के पूरे दिन में 5 राउंड कंप्लीट करो. मतलब केस वन में आपने 10 किलोमीटर का सिंगल राउंड लिया और केस टू में आपने 2-2 किलोमीटर के स्मॉल राउंड्स लिए. तो अब क्या आप गेस कर सकते हो कि किस केस में गाड़ी का फ्यूल और इंजन ज्यादा कंज्यूम हुआ होगा? ऑब्वियसली केस नंबर 2 में, क्योंकि जब हम गाड़ी को बार बार इग्निशन देते हैं, रेस देते हैं, रोकते हैं, तो ऐसे में ज्यादा फ्यूल, पावर और इंजन कंज्यूम होता है. तो सिमिलरली अगर हमारे पास एक दिन में 1500 कैलोरीज कंज्यूम करने का टारगेट है, हम उसे बड़े पोर्शंस में लेने की जगह अगर मिनी मील्स की फॉर्म में लेते हैं तो हमारे मेटाबॉलिज्म को मल्टीपल किक्स मिलती हैं. उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी का इंजन बार बार स्टार्ट होता है. आई एम वाओ प्रोग्राम में हम जितने भी मील प्लान क्रिएट करते हैं उसमें 5 मील ऑप्शन जरूर होते हैं. ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के साथ साथ मिड मॉर्निंग स्नैक और इवनिंग स्नैक भी जरूर होता है, जिसमें नट्स, सीड्स, फ्रूट्स और इस तरह की हेल्दी ऑप्शंस होती है. एंड everybody who's into fitness, who's health conscious, understand its importance. और इस habit को follow करके लोग successfully weight lose भी कर पाते हैं. अब चलते हैं अगले point पे. People who lose weight successfully always build sustainable habits. मैं आपसे 3 questions पूछती हूँ. सुबह उठते ही ब्रश करना आपके लिए एक टास्क है या फिर आपकी एक हैबिट? घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना आपके लिए एक टास्क है या फिर अब वो एक आदत बन चुकी है? फोन उठाते ही हेलो बोलना एक टास्क है या फिर हैबिट? इन सब चीजों को हम अपनी हैबिट्स बना चुके हैं, इसलिए इन्हें करना हमें याद नहीं रखना पड़ता. ये कोई टास्क के जैसा नहीं लगता. इनफैक्ट अगर सुबह उठते ही हम ब्रश ना करें तो फिर कुछ इनकम्प्लीट लगता है. बाहर निकलने से पहले मास्क ना लगाएं तो अब हमें वो इनकम्प्लीट लगता है. फोन उठाते ही हेलो अपने आप मुंह से निकलता है. तो इसी तरह जो लोग खुद को फिट रखते हैं वो हेल्दी हैबिट्स को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं. सुबह उठते ही मॉर्निंग ड्रिंक लेना उनकी एक आदत होती है. बिना चीनी की चाय पीना भी उनकी एक हैबिट होती है. लिफ्ट छोड़ के सीढ़ियां यूज करते हैं. मेन्यू में से फ्राइड आइटम्स उनको दिखती नहीं है. वर्कआउट करना भी उनकी एक हैबिट होती है. और इसी तरह की बहुत सारी चीजों को वो अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो कोई टास्क के जैसा नहीं लगता. नाउ दैट बीइंग सेड, अगर आप अपने अंदर हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हो? इसके लिए मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. एंड सिंस आप इस वीडियो को देख रहे हो, विच क्लियरली शोज दैट यू आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ, इसका मतलब ये है कि आपकी भी कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी जो आपको हेल्दी रहने में हेल्प करती हैं. कैन यू प्लीज शेयर सम ऑफ दोज हैबिट्स इन द कमेंट्स? नेक्स्ट हैबिट विच यू विल डेफिनेटली सी इन पीपल हु सक्सेसफुली लूज वेट इज दैट दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर प्रोग्रेस.
जो लोग सक्सेसफुली वेट लूज नहीं कर पाते। मैंने उन्हें बहुत बार कहते हुए सुना है कि मेरी मम्मा मुझे डाइट नहीं करने देती, मेरे घर में इस तरह का खाना नहीं बनता, मेरा काम बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल है, तो डाइट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई कहता है कि मेरा इतना बिजी स्केड्यूल है इसलिए मेरे से डाइट नहीं होती, और सेम सिनेरियो में कोई कहता है कि मेरा इतना बिजी स्केड्यूल्ड है, मैं इतना ऑक्यूपाइड रहता हूँ कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और डाइटिंग मेरे लिए पॉसिबल है, ईजी है। वो सभी लोग जिन्होंने आज तक वेट लूज किया है, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते, उनकी फैमिली नहीं है, उनका काम नहीं है, उनके पास प्रेशर नहीं है, बट वो इन सब सिनेरियोज में भी अपने प्रोग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उनकी लाइफ में भी फेलियर और सेटबैक्स आते हैं, बट ऐसे में वो सेल्फ टॉक करते हैं, खुद को पॉजिटिव रखते हैं, मोटिवेटेड रखते हैं, और कुछ भी हो जाए अपनी जर्नी को हमेशा कंटिन्यूड रखते हैं। अगर आपने मेरे 30 डे वेट लॉस चैलेंज के व्लॉग्स देखे हैं तो आपने ये भी देखा होगा मेरे पास ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए थे जब गिव अप करना मेरे लिए एक ऑप्शन था, बट ऐसे में मैंने सेल्फ टॉक करके खुद को मोटिवेटेड रखा और खुद को हमेशा ट्रैक पे रखा। आई एम सो ग्लैड कि मैंने उस पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर किया, बिकॉज दैट ऑल्सो एक्ट एज अ रिमाइंडर फॉर मी टू स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे पॉजिटिव ऑलवेज। और अगर बाय चांस आपने वो व्लॉग्स मिस किए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन व्लॉग्स को जरूर जरूर देखिए, क्योंकि आपको उनमें से अपने लिए बहुत कुछ मिलेगा। इस वीडियो के एंड में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप अपनी कोई ऐसी ट्रिप याद करो जो आप आज तक सबसे ज्यादा चेरिश करते हो, कोई ऐसी वेकेशन जिस पे आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया हो, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड गेट पे हो या पार्टनर के साथ इंटरनेशनल ट्रिप, फैमिली के साथ कोई रिलीजियस ट्रिप हो या फिर बच्चों के साथ एसएल वर्ल्ड। सो आपकी सबसे फेवरेट ट्रिप कौन सी थी उसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड नाउ टेल मी समथिंग, आर यू ऑब्सेसिव अबाउट दैट ट्रिप? जब आप उस ट्रिप पे थे तो क्या आपने उसके हर छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय किया था? उसकी पैकिंग, प्लानिंग, आइटनरी, ट्रैवल, पिक्चर्स क्लिक करना, और हर छोटे छोटे मोमेंट को आपने इंजॉय किया था? वर यू ऑब्सेसिव एंड एक्साइटेड अबाउट दैट जर्नी? सेम इज द केस विद योर वेट लॉस जर्नी। जो लोग इस जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं वो इस जर्नी को लेकर ऑब्सेसिव होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, कीन होते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड होते हैं, और हर एक छोटी छोटी चीज को इंजॉय करते हैं। और वो ये सब इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करना अच्छा लगता है। चीजों को क्रिब नहीं करते, चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। सेम डाइट प्लान, सेम वर्कआउट, सेम डाइटिशियन उनको पॉजिटिव दिखता है, वो हर चीज को लेकर ग्रेटफुल होते हैं, और यही वो लोग हैं जो सक्सेसफुली वेट लूज कर पाते हैं। मैं आई एम वाओ के मेंबर्स से भी जब बात करती हूँ तो मुझे कई बार उनके बात करने के स्टाइल से ही पता चल जाता है कि वो अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। सो आप अपनी उसी वेकेशन की तरह अपनी इस वेट लॉस जर्नी को भी एंजॉय करना सीखो। और अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अभी लास्ट वीक मेरी मम्मा मेरे घर पे आई एंड शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू लूज हर वेट, और उन्होंने आई एम वाओ से ही अपना डाइट प्लान भी लिया। मेरी मम्मा को साउथ इंडियन बहुत पसंद है तो मैंने उनके लिए डोसा बनवाया। अब जब हम लंच करने बैठे तो उन्होंने बोला कि मैं प्लेन डोसा ही लूंगी, सो शी हैड वन प्लेन डोसा। फिर जब चाय लेने लगे तो सारी चीजें छोड़ के उन्होंने चाय के साथ सिर्फ मखाने लिए, एंड बातों बातों उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आज अपना ब्रेकफास्ट भी लाइट किया था ताकि मेरी कैलोरीज एडजस्ट हो सके। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ऑल दिस मेड मी सो सरप्राइज कि मम्मा इस एज में भी अपनी वेट लॉस जर्नी को लेकर इतनी सीरियस है, सारे सॉल्यूशंस निकाल रही है, कैलकुलेशंस कर रही है, कैसे लेना है, कितना लेना है, मैनेज कैसे करना है। तो मम्मा अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो लेट मी टेल यू दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड गाइस प्लीज आप भी मेरी मम्मा को ऑल द बेस्ट बोलो कमेंट्स में टू बूस्ट हर स्पिरिट्स। एंड नाउ व्हाट शी वाज डूइंग इज बेसिकली मेकिंग हर वे टू सक्सेस। और ये सिर्फ मेरी मम्मा की बात नहीं है, हर उस इंसान की स्टोरी है जो सक्सेसफुली वेट लूज कर पाता है। उनकी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर होती हैं। ये लोग कैलकुलेशंस और जुगाड़ में बहुत तेज होते हैं। अगर कल कहीं जाना है ना तो उसकी तैयारी आज से करते हैं, घर से निकलने से पहले कुछ मंच करके जाते हैं ताकि बाहर जाके माइंडफुल होके खा सके, और ये सब उनकी हैबिट्स बन जाती है। एज आई सेड बिफोर, ये उनको टास्क नहीं लगता, ये उनकी आदतें बन जाती हैं, दे फाइंड देयर वे टू सक्सेस। नेक्स्ट हैबिट ऑफ पीपल हु सक्सेसफुली लूज वेट इज दैट दे आर ऑलवेज ओपन टू लर्न। जितने भी लोग वेट लूज कर पाते हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है कि वो हमेशा सीखने के लिए रेडी होते हैं, बिना किसी ईगो के, बिना किसी शर्म के, वो हमेशा सीखने की इंटेंशन रखते हैं, गाइडेंस लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए वो हमेशा रेडी होते हैं। मैंने खुद देखा है कि कई बार आई एम वाओ में ऐसे एनरोलमेंट्स आते हैं जो लोग ज्यादा ओवरवेट भी नहीं होते, बट जैसे ही उनको लगता है कि हम हल्का सा भी ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, वो एक्सपर्ट गाइडेंस लेने के लिए करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। और इसीलिए हमने आई एम वाओ में डाइट प्रोग्राम्स के साथ साथ वन टू वन विद एन एक्सपर्ट का प्रोग्राम भी रखा है, और ये उन लोगों के लिए जो किसी एक्सपर्ट के साथ एक बार काउंसलिंग कॉल पे जाके अपने डाउट्स पे क्लैरिटी चाहते हैं। और जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ वो इन प्रोग्राम्स के थ्रू और उसे टिप्स, सजेशंस, एडवाइसेस लेने से कभी भी शर्माते नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, जिन लोगों को सच में एडवाइसेस की जरूरत होती है वो कई बार सिर्फ शर्म ही करते रह जाते हैं। You know what I mean? And now the next habit of those who successfully lose weight
is they always track their progress and appreciate how far they have come. They keep a close watch on their progress. Time to time weight check karna, measurements check karna, apne BMI ka track rakhna aur yahan tak ki wo apne kapdon ki fitting ko leke bhi bahut observant hote hain. Apni before after pictures click karte hain jinko dekh ke unko motivation milti hai aage badhne ki. And as I always say, agar aapko apni life mein kuch bhi change karna hai to usko measure karna bahut zaruri hai. So always keep a track of your progress. Agar aap IMBOW ki app ko use karte ho to aap tracker mein jaake apni weight and apni dimensions ka record rakh sakte ho. Now next habit, or we can say intelligence of people who successfully lose weight, is that wo sahi aur galat mein differentiate kar paate hain. Khud ke liye kya sahi hai usko samajh paate hain aur faltu ke gimmicks se khud ko bilkul door rakhte hain. वो फैट फ्री, शुगर फ्री ये सब चीजें देख के ब्रांड्स की बातों में नहीं आते, या लूज 10 केजीज इन 10 डेज देख के बेवकूफ नहीं बनते. वो खुद को इस तरह के गिमिक से दूर रखते हैं और बेसिक्स पे ध्यान देते हैं. कई बार लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन छोटी से छोटी चीज में ही होता है. प्रॉब्लम्स जैसे कि थायराइड, डायबिटीज, PCOS, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ डाइट से ही ठीक की जा सकती हैं. तो वेट लॉस क्या चीज है? आई होप दैट यू नो व्हाट आई मीन. अब एक और बहुत ही अच्छी और फनी हैबिट जो जनरली लोग वेट लूज करने के बाद डेवलप कर लेते हैं, वो है ज्ञान बांटना और लोगों को अवेयर करना. और आई थिंक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद ही हूँ, जिसने चक्कर में जॉब वॉब छोड़ के सोशल मीडिया पे वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी. हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके इतने एक्साइटेड और ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि हमें लगता है ये सब चीजें बाकी लोगों को क्यों नहीं पता, सब इसको फॉलो क्यों नहीं करते. जितने भी लोग अपनी वेट लॉस जर्नी को लेकर प्राउड फील करते हैं वो और लोगों की हेल्प करने में कभी भी हेजिटेट नहीं करते. दे वॉन्ट टू टेक एवरीवन अलॉन्ग, दे शेयर बिकॉज दे केयर. और इसीलिए पिछले 2 सालों से मैं भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपनी लर्निंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. एवरी टाइम आई फील दैट आई हैव अ लॉट टू शेयर. तो अगर आपको भी लगता है कि मेरी बातें आपके काम आती हैं तो आप मेरे साथ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रह सकते हो. आई प्रॉमिस दैट आई विल ऑलवेज कीप यू पम्प्ड अप फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल. और अगर आप डाइट या वर्कआउट रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहो तो आप उसके लिए IMBOW प्रोग्राम्स का बेनिफिट ले सकते हो, जिन्हें मैंने आपकी फिटनेस जर्नी को ईजी एंड एक्सेसिबल बनाने के लिए स्पेशली डिजाइन किया है. I'll now see you in the next video. Till then, fit raho, hit raho.